अच्छा जी, आज हम जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज मई जून 2023, पेपर 4 वेरिएंट 2। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपको पता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या ड्यूरेशन है इसकी? 2 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ग्रुप 2 कार्बोनेट्स डिकम्पोज व्हेन हीटेड टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट्स देखे हैं, जिसको अगर हम हीट करते हैं तो डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लाइक अगर हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको हीट करोगे तो इट विल डिकम्पोज टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, इसका मैकेनिज्म हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे प्रपोज करने के लिए कह रहा है, तो अभी देखते हैं। सजेस्ट अ मैकेनिज्म फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बोनेट आयन बाय एडिंग 2 कर्ली एरोस। अच्छा, अब देखो, मेटल कार्बोनेट में मैग्नीशियम कैटाइन है और जो कार्बोनेट आयन है वो एनाइन है। इसने कार्बोनेट आयन का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, कार्बोनेट आयन ही हो सकता है ना। इट मीन्स 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन, एंड ओवरऑल चार्ज जो है वो एक ऑक्सीजन पे -1, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन पे भी -1 है, तो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा 2 नेगेटिव। कार्बोनेट आयन में से ऑब्वियसली एक ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है। और दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बॉन्डिंग देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब है एक ऑक्सीजन निकलेगा और दूसरे ऑक्सीजन के साथ कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा। अब आप इसमें से किसी भी ऑक्सीजन को निकाल सकते हो, लेकिन इन्होंने लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे हमें ऑलरेडी एक लोन पेयर बना के दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, अब ये राइट वाला भी ऑक्सीजन जो है वो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इसने लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पर लोन पेयर दिखाया हुआ है। तो मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन का, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का, इस कार्बन को दे देंगे। कर्ली एरोस बनाने के लिए कह रहे हैं ना, बाय एडिंग 2 कर्ली एरोस। अच्छा, अब होगा क्या कि एक ऑक्सीजन कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब कार्बन के पास तो ऑलरेडी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन आएगा उसके साथ कार्बन क्या करेगा, जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो जो दूसरा कार्बन है वो सेकेंड ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तभी तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा दूसरा वाला। एक तो ऑलरेडी बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में वी हैव 2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो बस आपने ये 2 कर्ली एरोस बनाने थे इसमें, और थोड़ा सा सोच के बनाने। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 2 है, तो उसके हिसाब से हमें कार्बोनेट को इस तरह से ब्रेक करना है कि 2 कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन क्रिएट हो जाए। सेकेंड उसमें कह रहा है, डिस्क्राइब द वेरिएशन इन दी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स, एक्सप्लेन योर आंसर। ये हमने याद किया हुआ है कि डाउन द ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, और उसका रीजन भी हमने याद किया हुआ है कि बिकॉज डाउन द ग्रुप कैटाइनिक साइज इंक्रीज होता है, ड्यू टू विच चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कैटाइन डिक्रीजेस। तो जो कार्बोनेट एनाइन की पोलराइजेशन होती है, डिस्टॉर्शन होती है, वो कम होती है। तो ये जो रटा रटा है आंसर है वो लिखना है हमें। लिख लोगे या लिख के दूं? आपके पास हैंडआउट्स में लिखा हुआ है ये आंसर। चलो एक बार लिख लेते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज कैटायनिक साइज इंक्रीजेस एंड चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटाइन डिक्रीजेस, हेंस पोलराइजेशन, पोलराइजेशन भी कह सकते हो उसको, डिस्टॉर्शन भी कह सकते हो। जो कैटाइन नेगेटिव आयन की चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। रिमेम्बर, कैटाइन की जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो बल्कि एनाइन की जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो कैटाइन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का तोड़ना आसान हो जाता है हीट से। अब
जैसे जैसे नीचे जाओगे तो कैटाइन का साइज बढ़ता है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो जो एनाइन पे डिस्टॉर्शन करता है वो कम होती है, तो हमें ज्यादा हीट करना पड़ता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। हेंस पोलराइजेशन ऑफ एनाइन डिक्रीजेस। अभी कौन से एनाइन की बात कर रहे हैं? कार्बोनेट एनाइन की। चाहो तो लिख दो यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ CO3 2 नेगेटिव आयन डिक्रीज। पोलराइजेशन की जगह पे आप डिस्टॉर्शन का वर्ड भी यूज कर सकते हो, राइट? आगे कह रहे हैं डिफाइन लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन याद रखनी है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैशियस आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। लिख लोगे आप लोग? डेफिनेशन लिख लोगे बेटा, आगे बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट इज सेइंग द लैटिस एनर्जी ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट्स बिकम्स लेस एक्सोथर्मिक डाउन द ग्रुप। अब लैटिस एनर्जी लेस एक्सोथर्मिक क्यों होती है डाउन द ग्रुप टू? क्योंकि जैसे अगर मैं मेटल मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ और कैल्शियम कार्बोनेट बल्कि बेरियम कार्बोनेट की बात कंपेयर कर लेते हैं, जो सबसे नीचे है ग्रुप टू में, तो कैटायनिक साइज बढ़ रहा है, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन वो डिक्रीज हो जाती है, तो जो लेट आयनिक बॉन्ड बनता है वो लेस स्ट्रॉन्गर बनता है। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है द लैटिस एनर्जी ऑफ ग्रुप टू ऑक्साइड ऑल्सो बिकम्स लेस एक्सोथर्मिक। लेस एक्सोथर्मिक क्यों हो रही है? क्योंकि जब बॉन्ड वीकर प्रोड्यूस्ड होगा तो हीट एनर्जी कम रिलीज होगी, तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बिकॉज गैशियस आयंस जब आपस में ज्वाइन होते हैं, जैसे बेरियम आयन और कार्बोनेट आयन आपस में जब आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो इट इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हीट एनर्जी रिलीज होगी ना, और जब हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब डाउन द ग्रुप टू, क्योंकि कैटायनिक साइज बढ़ता है उसकी चार्ज डेंसिटी कम होती है, मतलब उसको जो चार्ज की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, तो आयनिक बॉन्ड वीकर बनेगा, तो लेसर एनर्जी विल बी रिलीज, तो लेस एक्टोथर्मिक होगी, चाहे वो कोई भी ग्रुप टू का कंपाउंड आयनिक कंपाउंड हो, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो, चाहे वो मेटल ऑक्साइड हो। अच्छा, आगे कह रहे हैं द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड लेटेस्ट एनर्जी ऑफ मेटल ऑक्साइड चेंजेस बाय डिफरेंट अमाउंट गोइंग डाउन द ग्रुप। सजेस्ट हाउ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर ग्रुप टू कार्बोनेट चेंजेस डाउन द ग्रुप। एक्सप्लेन योर रीजनिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव साइजेस ऑफ द एनाइंस। एनाइंस दो तरह के इन्वॉल्व है, मेटल कार्बोनेट में भी है कार्बोनेट एनाइन एंड मेटल ऑक्साइड में भी है ऑक्साइड एनाइन, एंड द रिलेटिव चेंजेस इन द लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब जैसे मैं डाउन द ग्रुप टू जाऊंगा तो अगर हम मेटल कार्बोनेट को कंपेयर करें या मेटल ऑक्साइड्स को कंपेयर करें, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी तरह बेरियम कार्बोनेट और बेरियम ऑक्साइड, तो ये हमें पता है कि लैटिस एनर्जी गोइंग डाउन द ग्रुप लेस एक्सोथर्मिक तो हो रहा है, लेकिन किसका ज्यादा लेस एक्सोथर्मिक होगा, मेटल कार्बोनेट्स का या मेटल ऑक्साइड का? ये क्वेश्चन है आपका, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। कुछ बताओगे इसमें क्या लिखना है? देखो, ऑक्साइड आयन का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में वी हैव 4 3 ऑक्सीजन एंड 1 कार्बन, तो टोटल हमारे पास इसमें 4 एटम्स हैं, तो ऑब्वियसली कार्बोनेट आयन का साइज जो होगा वो बड़ा होगा और जो ऑक्साइड आयन है उसका साइज छोटा है। अच्छा, कार्बोनेट आयन पे देखो, जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो चार्ज बहुत मैटर करता है। कार्बोनेट आयन पे जो चार्ज है वो 2 नेगेटिव है, आयनिक बॉन्ड बनता ही आयन्स की वजह से है ना, और ऑक्साइड आयन पे चार्ज है वो भी 2 नेगेटिव है। अब दोनों पे सेम चार्ज है, अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज डेंसिटी किसकी कम होगी, तो कार्बोनेट आयन पे भी 2 नेगेटिव चार्ज है लेकिन कार्बोनेट आयन का साइज बड़ा है, तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी इनकी कंपेयर करूं तो चार्ज डेंसिटी कार्बोनेट आयन की कम होगी क्योंकि उसका वॉल्यूम बड़ा है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कार्बोनेट आयन का रेडियस बड़ा है, जिसकी वजह से कार्बोनेट आयन की चार्ज डेंसिटी ऑक्साइड आयन से कम होगी।
तो ऑक्साइड आयन की लैटिस एनर्जी में, मतलब मेटल ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी में जो डिक्रीज आएगा वो कम आएगा एज कंपेयर टू डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी ऑफ मेटल कार्बोनेट, राइट? सो लैटिस एनर्जी ऑफ मेटल कार्बोनेट विल बी लेस एक्सोथर्मिक गोइंग डाउन द ग्रुप एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। बताइए ये बात। कैसे लिखोगे इसका आंसर? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट्स बिकम लेस एक्सोथर्मिक डाउन द ग्रुप एस कंपेयर टू डिकम्पोजिशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप टू मेटल ऑक्साइड्स बिकॉज आयोनिक साइज ऑफ ऑक्साइड आयन इज स्मॉलर देन कार्बोनेट आयन, सो ऑक्साइड आयन हैज अ ग्रेटर चार्ज डेंसिटी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ओके, पोटेशियम सल्फेट इज यूज एज अ फूड एडिटिव। पोटेशियम सल्फाइट है, सॉरी सल्फेट नहीं है, एसओ थ्री है ना, तो ये एसओ थ्री टू नेगेटिव चार्ज है इस पे। द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन यूजिंग एक्वस एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7 आयन। अ 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन कंटेन 3.4 ग्राम ऑफ इम्प्योर पोटेशियम सल्फाइड। मतलब हमारे पास जो पोटेशियम सल्फाइड सोल्यूशन है वो 3.4 ग्राम सोल्यूशन तो वो कह रहे हमें है, लेकिन उसमें सारा का सारा पोटेशियम सल्फाइड नहीं है, तभी तो वो उसको इम्प्योर कह रहे। मतलब इसमें पोटेशियम सल्फाइड के अलावा कुछ और भी होगा। 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, उसमें 3.4 ग्राम ऑफ सैंपल डाला हुआ है जिसमें सबका सब पोटेशियम सल्फाइड नहीं है। आगे कह रहा है 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्स 22.4 of 0.025 molar acidified magnet ions to reach the end point। मतलब इसको react करवाएंगे किस चीज के साथ? magnet ions के साथ, और इसमें से 250 पूरा नहीं लेंगे बल्कि सिर्फ 25 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेंगे पोटेशियम सल्फाइड का, और उसको मैग्नेट आइन के साथ हमने रिएक्ट करवाया। और जो मैग्नेट आइन्स है उसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ है? 22.4 cm³, और उसकी कंसेंट्रेशन क्या लगी है? 0.025 मोल पर डेसीमीटर। तो हम इसके मोल्स निकाल लेंगे और फिर स्टोशियोमेट्री यूज करके पोटेशियम सल्फाइड के मोल्स निकाल लेंगे 25 cm³ में, और फिर वही मोल्स 250 में निकाल लेंगे रेशियो मेथड यूज करके। आगे कह रहे हैं ऑल दी सल्फाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज, नन ऑफ दी अदर स्पीशीज इन दी इम्प्योर पोटेशियम सल्फाइड आर ऑक्सीडाइज। मतलब ये जो KNO4 आप नीचे गिरा रहे हो उसके साथ सिर्फ सल्फाइड आयन रिएक्ट करेंगे और कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। तो जो भी मोल्स
मैग्नेट आइंस के लगे हैं वो सारे के सारे सल्फाइड आइन के साथ ही रिएक्ट हुए। आगे इसने ना हाफ इक्वेशन दी हुई है आपको, कंप्लीट इक्वेशन नहीं दी हुई है। गिव द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सल्फाइड आयन एंड एसिडिफाइड मैग्नेट आइंस। तो आपको इसकी कंप्लीट इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और कंप्लीट इक्वेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ते हैं। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को, सल्फाइड आयन वाली इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मैग्नेट आयन वाली इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन जो हो जाए वो 10-10 हो जाए। ठीक है, जब दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे, तो उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड कर दोगे। देखो इस तरह से बनेगी ये, 5H2O, 5SO3 टू नेगेटिव, एंड 5 मोल ऑफ सल्फाइड आयन, 10H पॉजिटिव आयन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। जो नीचे वाली इक्वेशन है वो हो जाएगी 2MnO4 नेगेटिव, 8 2 16H पॉजिटिव आइन, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2Mn2 पॉजिटिव आइन एंड 4 2 8 मोल्स ऑफ वाटर। अब आप इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि दोनों साइड पे इक्वल हो गए वो कैंसिल कर दोगे। उसके अलावा वाटर अगर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे 5 मोल्स ऑफ वाटर है, राइट हैंड साइड पे जो है वो 8 मोल्स ऑफ वाटर है, तो राइट हैंड साइड पे ओवरऑल 3 मोल्स ऑफ वाटर रह जाएगा। इस तरह से आपने, अच्छा ऊपर वाली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी है 5 मोल्स ऑफ सल्फाइड आयन, और नीचे वाली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी है 2 मोल्स ऑफ मैग्नेट आयन। असल में तो यही दोनों इंपॉर्टेंट है ना, इनकी स्टोइकोमेट्री आगे यूज होगी। अच्छा एच पॉजिटिव आयन ऊपर वाली इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे 10 मोल्स ऑफ एच पॉजिटिव आयन है, और नीचे वाली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे 16 मोल्स ऑफ एच पॉजिटिव आयन है। तो जब इनको माइनस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 6 मोल्स ऑफ एच पॉजिटिव आयन रह जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे 5 मोल्स ऑफ सल्फेट आइन बचा, 2 मोल्स ऑफ मैंगनीज आइन बचा, Mn2 पॉजिटिव आइन, और वाटर कितने बचे, वाटर राइट हैंड साइड पे ज्यादा है 8 है, लेफ्ट हैंड साइड पे वाटर जो है वो 5 है, तो रिजल्टेंट वाटर के मोल्स राइट हैंड साइड पे बचेंगे, 8 - 5 इज 3 मोल्स ऑफ वाटर। या आपके पास कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी। इस कंप्लीट इक्वेशन की मोस्ट प्रोबेबली स्टोइकोमेट्री यूज करवाएगा नीचे, ताकि आप निकाल सको कुछ। फॉर 3 मार्क्स परसेंटेज प्योरिटी ऑफ पोटेशियम सल्फाइड पूछ रहा है। अब पोटेशियम सल्फाइड हमारा 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन जो हमने लिया था 3.4 ग्राम, उसमें पोटेशियम सल्फाइड कितना था। तो देखो इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो मैग्नेट आइंस के उसने कहा हुआ है कि मैग्नेट आइंस का जो वॉल्यूम लगा है MnO4 नेगेटिव आयन का वो 22.4 cm³ लगा है, और उसकी कंसेंट्रेशन है 0.025 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसके जो मोल्स निकलेंगे वो निकलेंगे, कंसेंट्रेशन है 0.025, वॉल्यूम इज 22.4/1000। ये मोल्स आ रहे हैं मैग्नेट आयन्स के 5.6 exponent - 4 मोल। अच्छा अब रेशियो मेथड अगर देखो तो 5 मोल्स ऑफ सल्फाइड आइन आर रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ मैग्नेट आइन। अगर 5.64 exponent - 4 मोल ऑफ मैग्नेट आइन हमारा यूज हुआ है टू न्यूट्रलाइज ऑल दी सल्फाइड आइन प्रेजेंट, तो सल्फाइड आइन के कितने मोल्स होंगे, एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 5.64 exponent - 4/2। आ रहा है हमारे पास 1.4 exponent - 3 मोल। ये जो सल्फाइड आयन के मोल्स आए ये 25 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आए जिसकी आपने टाइट्रेशन की है। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब जिसमें से आपने ये सॉल्यूशन निकाला था उसमें कितने मोल्स होंगे, तो आप रेशियो मेथड से निकालो। इफ योर 25 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हैज 1.4 exponent - 3 मोल ऑफ सल्फाइड आइन, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे, एक्स। द वैल्यू ऑफ एक्स वुड बी 250 × 1.4 exponent - 3/25। ये बन जाएगा 1.4 exponent - 2 मोल। किस चीज के, सल्फाइड आइन के मोल्स है जो 250 सेंटीमीटर क्यूब में।
राइट। अच्छा, अब सल्फाइड आयन के 250 सेंटीमीटर क्यूब में मोल्स आ गए, हमें उसका मास दिया हुआ है सैंपल का 3.4 ग्राम। अब 3.4 का 3.4 ग्राम जो सैंपल है वो हमारे पास सल्फाइड आयन नहीं है। अब सल्फाइड आयन के मोल से उसका मास निकाल के देख लो, अगर वो 3.4 ग्राम आएगा तो मतलब 100% प्योर है, अगर नहीं आएगा तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे। तो मोल्स ऑफ सल्फाइड आयन कैसे निकालोगे? मोल्स तो आपने निकालनी है, मास निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल मास ओवर एमआर वाला फॉर्मूला यूज करना। नंबर ऑफ मोल्स है 1.4 एक्सपोनेंट -2 मोल, और एमआर पोटेशियम सल्फाइड। अच्छा, अब देखो हम तो मोल्स निकाल रहे हैं सल्फाइड आयन के, जितने मोल सल्फाइड आयन के हैं ना उतने ही मोल्स हमारे पास पोटेशियम सल्फेट के भी हैं। क्योंकि देखो अगर मैं 1 मोल ऑफ के K2SO3 लेता हूँ तो उसमें से 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयन निकलेगा और 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन निकलेगा। अगर सल्फाइड आयन के 1.4 एक्सपोनेंट -2 मोल्स हैं हमारे पास, तो इसका मतलब है कि पोटेशियम सल्फाइड के भी इतने ही मोल्स होंगे ना, 1.4 एक्सपोनेंट -2 मोल्स। इसलिए मैंने जो सल्फाइड आयन के मोल्स हैं वही पोटेशियम सल्फाइड के भी ले लिए, क्योंकि 1 मोल ऑफ पोटेशियम सल्फाइड में से 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन निकलेगा। इफ यू हैव 1.4 एक्सपोनेंट -2 मोल ऑफ सल्फाइड आयन, इट मीन्स यू हैव 1.4 एक्सपोनेंट -2 मोल ऑफ पोटेशियम सल्फाइड। पोटेशियम सल्फाइड का एमआर 158.3 आ रहा है, तो इससे इसका मास बन रहा है 2.2162 ग्राम। अभी जो मास है ये 3.4 ग्राम तो नहीं बन रहा, इसका क्या मतलब है कि पोटेशियम सल्फाइड का जो 3.4 ग्राम सैंपल दिया हुआ है वो सारा का सारा पोटेशियम सल्फाइड नहीं है। तो इसकी परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालोगे? 2.2162 डिवाइडेड बाय 3.4 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ रही है हमारे पास 65.3%। अरे भाई समझ आई बात? आगे बढ़े। मोल्स है, बेसिक मोल्स है। देखो आराम, इन्होंने ना इनिशियली हमारे पास एक इम्प्योर सैंपल लिया था पोटेशियम सल्फाइड का, जिसका वो टोटल मास कह रहा था कितना है, 3.4 ग्राम। अब 3.4 ग्राम तो उसको टेस्ट करना था कि वाकई में इसमें सारा का सारा पोटेशियम सल्फाइड है या नहीं। तो इसने इस 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में से सिर्फ 25 cm³ पोटेशियम सल्फाइड निकाला और उसको मैग्नेडाइन के साथ रिएक्ट करवाया। अब मैग्नेडाइन के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो उसकी जो इक्वेशन है उसने ओवरऑल इक्वेशन बनाई जिसके हिसाब से 2 मोल्स ऑफ मैग्नेटाइन आर रिएक्टिंग विद 5 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। अब मैग्नेटाइन की जो कंसेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम लगी है इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज दी सल्फाइड आयन प्रेजेंट इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन वो दिया हुआ है, तो उससे हमने उसके मोल्स निकाल लिए। 2 मोल ऑफ मैग्नेटाइन रिक्वायर रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। ये जो मोल्स आए थे इससे हमने ये निकाल लिया कि सल्फाइड आयन के 25 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट थे। वो आ रहे थे हमारे पास 1.4 एक्सपोनेंट -3। तो ये सारे के सारे मोल्स 25 cm³ में है। 250 में कितने होंगे? 25 में इतने हैं तो 250 में कितने होंगे, रेशियो मेथड से निकाला। अब मुझे ये पता लग गया है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जो पोटेशियम सल्फाइड है उसमें सल्फाइड आयन के जो मोल्स आए वो 1.4 एक्सपोनेंट -2 मोल। अब जो मोल सल्फाइड आयन के हैं वही मोल्स पोटेशियम सल्फाइड के भी है, क्योंकि 1 मोल ऑफ पोटेशियम सल्फाइड में से 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन निकल रहा है। तो पोटेशियम सल्फाइड के मोल्स हमें पता लग गया 1.4 एक्सपोनेंट -2 है। उससे मैंने पोटेशियम सल्फाइड का मास निकाला जो कि 2.2162 ग्राम आ रहा है। होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 3.4 ग्राम, लेकिन आ कितना रहा है, 2.2162। मतलब ये 100% प्योर नहीं है, तो परसेंटेज प्योरिटी फिर हमने इस मास को डिवाइड बाय 3.4 किया मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी अब्दुल अजीज, A2 है, A2 में भी आता है मोल्स। चलो आगे पार्ट में कह रहा है, पोटेशियम डाइसल्फाइड इज अनदर फूड एडिटिव, द डाइसल्फाइड आयन हैज द डिस्प्लेड फॉर्मूला शोन। अच्छा, डिड्यूस द ज्योमेट्री अराउंड द एस सल्फर, सल्फर के ऊपर एक साइन लगाया हुआ है अल्फा।
मतलब बेसिकली अल्फा इस जो मैं अक्सर भी कहता हूँ, अल्फा कार्बन जो है वो जो कार्बन, हम अल्फा कार्बन के लिए पढ़ते हैं, अभी इसने सल्फर पे अल्फा लगाया हुआ है। अल्फा का मतलब है कि भाई इस सल्फर की बात कर रहे हैं, वो कोई भी सिंबल लगा सकता है इसकी जगह पे। इसकी ज्योमेट्री पूछ रहा है। अब ज्योमेट्री क्या होती है भाई, इस हैज फोर बॉन्डेड पेयर्स एंड जीरो लोन पेयर। क्या बनेगी ज्योमेट्री, फोर बॉन्डेड पेयर जीरो लोन पेयर वाला जो शेप होता है सल्फर के, देखो कोई इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पे लगे हुए हैं ना, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिक्स के सिक्स बॉन्डिंग पे लगे हुए हैं, कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो फोर बॉन्डेड पेयर जीरो लोन पेयर इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो एक मार्क ऐसी आपको उसने देना था। आगे बढ़े, अच्छा ये ट्रांजिशन एलिमेंट का क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट हमने लास्ट उसमें भी किया था पेपर में, इसमें भी आया हुआ है। चलो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। स्टेट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे बिहेव एज अ कैटलिस्ट, दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो ये सारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, जो आप इनमें से कोई दो लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स साइन की डेफिनेशन हमने लास्ट पेपर में भी लिखी हुई थी, ठीक है, तो ये आप देख लोगे खुद ही। कॉम्प्लेक्स साइन इज अ ट्रांजिशन मेटल लाइन सराउंडेड बाय वन और मोर लिगेंड्स बाय डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे आते हैं पार्ट टू में, कह रहा है कि हमारे पास एक कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, उसको इन्होंने अमोनिया डाला है उसमें, एक्वस अमोनिया, एक बार एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक बार कंसेंट्रेटेड एचसीएल। तो ए बी सी जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो आपको बताना है। अब कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस देखो हमने याद किया हुआ था। अब ट्रांजिशन एलिमेंट का हैंडआउट में उस दिन भी आप लोगों को दिखा रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चीजें याद रखना। ये सारे रिएक्शन कोबाल्ट वाले, देखो ये रहे, कोबाल्ट वाटर के साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो पिंक कलर का होता है, इसका आपने फॉर्मूला याद रखना है, इसका कलर भी याद रखना है। हाइड्रोक्साइड आयन के साथ उसकी रिएक्शन इक्वेशन ये होती है, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कॉपर कोबाल्ट के साथ टू OH आ जाते हैं और टू वाटर के मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो जाते हैं। लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन जब प्रेसिपिटेट बन रहा होता है ना, तो ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेशन इज टेकिंग प्लेस। इसी तरह कोबाल्ट को जब आप कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में वाटर के साथ हाइड्रेटेड कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में जब आप अमोनिया डालोगे तो ये इक्वेशन फॉलो होती है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है कोबाल्ट और अमोनिया का, जिसका ब्राउन कलर होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्लोराइड आयन वाला जो कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें क्लोराइड आयन डालोगे तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। इसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है, या आपने कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस के लिए इक्वेशंस याद रखनी है, इनके ये कलर्स भी याद रखने हैं, और कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी कुछ इक्वेशन है जो आपने याद रखनी है, कॉपर के लिए और कोबाल्ट के लिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड्स में, ठीक है। बस इन दो कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपको इक्वेशन याद रखनी है, और ये अभी पूछेगा क्योंकि ये रिसेंटली इसने दोनों इक्वेशन सिलेबस में ना फिक्स कर दिए कि ये आपको याद करनी करनी है। तो इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन में आपका अभी आपके आने वाले पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, आप एक्सेस अमोनिया जब डालोगे तो इक्वेशन अगर याद होगी तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें अमोनिया के, देखो हाँ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में जब आप अमोनिया डालते हो तो सारे के सारे वाटर के लिगेंड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे और सिक्स अमोनिया के लिगेंड्स लग जाएंगे इसमें, और ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा ये ब्राउन सोल्यूशन होता है। आपको कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये लिगेंड डिस्प्लेसमेंट है, अगर सोल्यूशन बन रहा है ना तो हम इसको कहेंगे लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है कोई तो फिर हम उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब लिगेंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी एक लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन ही है या लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, लेकिन आप इसको अलग से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हो। तो इसमें जो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बन रहा है कोबाल्ट का, वो बनता है NH3 6, और इसका जो कलर है वो ब्राउन सॉल्यूशन है, एंड दिस इज लिगेंड डिस्प्लेसमेंट या लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन।
सिमिलरली HCl के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो भी आपको याद रखना है। इसका जो सोल्यूशन का कलर होगा वो ब्लू सोल्यूशन होगा, और जब सोल्यूशन बनता है तो हम लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन या लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जो है वो हमने देखा कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसमें जो टू ऊपर लिखा हुआ है पावर में नहीं है, नीचे है सर में, ठीक है। टू हाइड्रोक्साइड आयन लिगेंड आ जाएंगे और फोर वाटर के मॉलिक्यूल ऐसा लिगेंड आ जाएंगे इसमें। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो OH के टू लिगेंड्स और वाटर, ये सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। इसको ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं होगा, और इसमें ऑब्जर्वेशन में आपको ब्लू पीपीटी दिखेगा, और इसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। राइट, अब ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि याद करने वाला काम है ना, याद करने वाला काम हमेशा मुश्किल होता है। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट इज सेइंग एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होता है दैट कैन डोनेट टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म टू डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड विद अ ट्रांजिशन मेटल आयन। लिगेंड दैट कैन डोनेट टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म टू डेटिव बॉन्ड्स विथ आर ट्रांजिशन मेटल आई। अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहे हैं द कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट वाटर के दो लिगेंड्स हैं, दो इथेन डायोड लिगेंड्स हैं इसमें, एक ब्रोमाइड लिगेंड है और एक क्लोराइड लिगेंड है। कंप्लीट द थ्री डायमेंशनल डायग्राम इन फिगर 2.2 टू शो फोर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इसमें ये जो लिगेंड है ना C2O4 2 नेगेटिव, ये वैसे हमने इसकी एग्जाम्पल बहुत की है। ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं इथेन डायोड आई। अच्छा, इसको कह रहे हैं कि ये जो दो ऑक्सीजन है ना जिन पर नेगेटिव चार्ज है, ये डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक लोन पेयर होता है जो कि वो डोनेट करते हैं ट्रांजिशन मेटल आयन को। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डेफिनेटली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है नीचे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप बनाया हुआ है। वाटर के दो बाइडेंटेट लिगेंड है तो वो दो बॉन्ड बनाएंगे। इथेन डायोड एक लिगेंड है, दो बॉन्ड बनाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड है, एक बॉन्ड ब्रोमाइड आयन बनाएगा, एक क्लोराइड आयन बनाएगा, तो टोटल जो है वो सिक्स डेटिव बॉन्ड बनेंगे। तो इट मीन्स के ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अब इसमें हमारे पास वी हैव टू बाइडेंटेट लिगेंड, सॉरी वन बाइडेंटेड लिगेंड एंड फोर मोनोडेंटेड लिगेंड। तो इसमें जो हमारे पास वो बनेगा आइसोमर्स बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सिस ट्रांस और एक होता है ऑप्टिकल। इसमें हमारे पास हम सिस ट्रांस आइसोमर्स बना सकते हैं चार। इसमें किस तरह से, देखो ये जो ओ उसने लगाया है ना, ये इथेन डायोडाइड लिगेंड जो है वो उसने लगा के दे दिया है अपने इसमें। तो मुझे वाटर और बाकी जो ब्रोमाइड और क्लोराइड है उसको यूज करते हुए बाकी आइसोमर्स बनाना है। तो देखो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल वाटर के दो मॉलिक्यूल फेस टू फेस लगा दूंगा तो ये ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स मैं साइड बाय साइड लगा दूं तो ये सिस आइसोमर हो जाएगा, इसमें ब्रोमाइड और क्लोराइड पर ऊपर नीचे आ जाएगा। अगर मैं ब्रोमाइड और क्लोराइड की पोजीशन चेंज करके भी इसका सिस आइसोमर बना सकते हैं, मतलब अगर मैं ब्रोमाइड एक यहाँ लगा दूं, ऊपर लगा दें एक ब्रोमाइड और क्लोराइड यहाँ लगा दें, इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है? क्या अगर हम वाटर के दो मॉलिक्यूल
साइड बाय साइड ऊपर और इस तरह से लगाते हैं, क्लोराइड एंड वन ब्रोमो। इसके अलावा भी बना सकते हो, मतलब और भी पॉसिबिलिटीज हैं, हमें चार बनाने थे। ठीक तो आप ऐसे भी बना सकते हो, एक वाटर ऊपर लगा दिया में ब्रोमाइड आई, यहाँ आ गया। भी बना सकते हो, मतलब वेज और डॉटेड से देख लेना कि अगर आपने एक में ब्रोमाइड आयन मैंने डॉटेड पे लगा दिया है, एक में ब्रोमाइड आयन मैंने सॉलिड लाइन पे लगा दिया, एक ही प्लेन पे आ गया, एक में मैंने वेज पे लगा दिया। इस तरह से हम डिफरेंट आइसोमर्स बना सकते हैं इसमें। राइट, आगे बढ़े। यस, जो थर्ड आइसोमर है उसमें हम ब्रोमीन को क्लोरीन की जगह लगा दें, क्लोरीन को ब्रोमीन की जगह लगा दें, तो एक और आइसोमर बन जाएगा, दैट वुड बी आवर सिक्स्थ आइसोमर। सही कह रहे हो मुनीत। सही, आगे बढ़े। अच्छा, स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स एंड द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन। अच्छा, इसके जो है ना फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स, मिरर इमेजेस भी बन सकते हैं इसके। ज्योमेट्रिक तो बन रहा है, मिरर इमेज भी बना सकते हो उसके। लेकिन यहाँ पे आपने अगर चार सिस्टांस से देख के बना दिया, वो भी सही है, मतलब अगर मैं मिरर इमेज बनाना चाहूँ तो वो भी आएंगे इसके पे, क्योंकि इसने सारे इथेन डायोड एक ही साइड पे लिखे हुए हैं, तो मिरर इमेज बनाओगे तो वो दिखेगा नहीं लेकिन वो होगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्टिकल आइसोमर भी बन जाएंगे इसके, सिस्टांस भी बन जाएंगे। अब इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। कोबाल्ट को हम एक्स ले लेते हैं, वाटर तो जीरो होगा, इथेन डायोडाइन का -2 चार्ज है, ब्रोमाइड आयन का -1 है, क्लोराइड आयन का -1 है, और ओवरऑल चार्ज -1। तो यहां से वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। शुड बी -2 और +4, इट्स +3। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। अच्छा, स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिक भी है इसमें और ऑप्टिकल भी हो सकती है। हमने ज्योमेट्रिक बनाया, ज्योमेट्रिक लिख देते हैं। ज्योमेट्रिक मतलब सिस्टांस, राइट? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में इज सेइंग कंप्लीट द टेबल 3.1 बाय प्लेसिंग वन टिक इन ईच रो टू इंडिकेट द साइन ऑफ ईच टाइप ऑफ एनर्जी चेंज अंडर द कंडीशंस। बॉन्ड एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, उसका साइन नहीं होता। अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन है तो एंडोथर्मिक, बॉन्ड सॉरी बॉन्ड ब्रेकिंग है तो एंडोथर्मिक, और बॉन्ड फॉर्मेशन है तो एक्सोथर्मिक। बॉन्ड एनर्जी का हम कोई साइन नहीं लिखते, तो इसलिए इट इज ऑलवेज रिटन एज अ पॉजिटिव। इनथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैशियस एटम फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो ये भी हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये भी एंडोथर्मिक होती है, पॉजिटिव। फॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। आगे डेफिनेशन पूछ रहा है स्टैंडर्ड इनथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन की, तो एटोमाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज एनथैल्पी चेंज
इज अ एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म। वन मोल लिखना जरूरी है, ठीक है? गैसियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन पूछ रहा है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन भी लिखेंगे। फ्रॉम एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अच्छा नेक्स्ट, इसने एनर्जी चेंजेस दिए हुए, मोस्ट प्रोबेबली लैटिस एनर्जी निकलवा रहा होगा। लैटिस एनर्जी निकालने के लिए बॉन हेबर साइकिल यूज करते हैं। कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ सिल्वर ऑक्साइड यूजिंग रेलेवेंट डेटा फ्रॉम टेबल 3.2। शो योर वर्किंग। अब मुझे बताओ ये आता है निकालना। देखो बॉन हेबर साइकिल किस तरह से बनती है, किसी भी आयनिक कंपाउंड की अगर आपको लैटिस एनर्जी निकालना है तो सबसे पहले आप उस आयनिक कंपाउंड का एक लाइन बना के उस आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखोगे। जैसे ये है Ag2O। अच्छा उसके बाद उसके ऊपर जो हम लाइन बनाते हैं उधर हम इनके जिस एलिमेंट से ये कंपाउंड बना हुआ है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट लिखते हैं। जैसे सिल्वर की स्टैंडर्ड स्टेट सिल्वर मेटल है सॉलिड, और ऑक्सीजन जो है वो O2 गैस है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। सिल्वर जो है वो 2 मोल्स आएगा और ऑक्सीजन के साथ हाफ आएगा। फिर हम स्टेप बाय स्टेप, पहले सिल्वर हमें चाहिए सिल्वर+1 आयन की फॉर्म में, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर जो है वो +1 आयन है और ऑक्साइड आयन जो है वो 2 नेगेटिव आयन है। तो पहले सिल्वर को हम ऑटोमाइज करेंगे, गैशियस एटम बनाएंगे सिल्वर के, और ऑटोमाइज करने के बाद फिर उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आएगी सिल्वर+1 आयन बनाने के लिए। अच्छा ये जो हमारे पास इंथैल्पी चेंज नीचे वाली पहली वाली इंथैल्पी चेंज होती है हमेशा इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, पहले होगी फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड 1 मोल के लिए कर रहे हैं। दूसरी जो ऊपर जा रही है वो ऑटोमाइजेशन है या एंडोथर्मिक है, इट इज दी ऑटोमाइजेशन ऑफ सिल्वर। उसके बाद हम सिल्वर का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे, गैसीय सिल्वर आयन बनाएंगे। तो दिस इज दी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिल्वर, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिल्वर। साथ में ऑक्सीजन तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे, ऑक्सीजन जैसा है वो वैसे ही चल रहा है, और सिल्वर एटम से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन भी हम शो कर देंगे इसमें। अब बारी आएगी ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन को आपने O2- आयन में कन्वर्ट करना है, तो सिल्वर जो है वो जिस फॉर्म में आपको चाहिए वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो आप सिल्वर को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का पहले गैशियस ऑक्सीजन एटम बनाओ तो वो ऑक्सीजन की ऑटोमाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। दिस इज दी ऑटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की ऑटोमाइजेशन जो हम निकालेंगे वो ऑक्सीजन का मोस्ट प्रोबेबली इसने बॉन्ड इंथैल्पी दिया हुआ होगा, तो बॉन्ड इंथैल्पी यूज करके निकालेंगे। ये अभी वैल्यूज भी लिखते हैं, ऊपर जाके सारी वैल्यू देखते हैं। अच्छा ऑक्सीजन के गैशियस एटम बनाने के बाद आप ऑक्सीजन को 2 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करोगे, तो ऑक्सीजन की पहले आएगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फिर आएगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें पता है हमेशा एंडोथर्मिक होती है, सॉरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ अगर मैं ये देखो ऊपर वैल्यूज लिखी भी होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा एक्सोथर्मिक होगी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होगी। तो उसके हिसाब से फिर आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैटर करना पड़ेगा। तो जब हम ऊपर जा रहे हैं ना वो सारे एंडोथर्मिक है। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एक्सोथर्मिक है, तो ये मुझे लाइन नीचे बनानी पड़ेगी।
सिल्वर आयन तो जैसा है वैसे ही चल रहा है, उसको तो हम नहीं छेड़ रहे। ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उस पर पहले -1 गैसियस आयन बनेगा। अच्छा सिल्वर जो है ना उसके 2 मोल से, तो इसके जो 2 मोल के साथ हम काम करेंगे अपना, तो सारी इंथैल्पी चेंजेस भी इसकी 2 मोल्स में होंगी, और इसमें से जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 1 सिल्वर में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 2 मोल ऑफ सिल्वर एटम में से 2 मोल ऑफ सिल्वर आयन निकलेंगे। तो पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर लेगा। ये जो है ना हमारे पास, दिस इज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ऑक्सीजन की, वो देखो एंडोथर्मिक दी हुई है उसमें। ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्साइड आयन ने जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन किया। अच्छा सिल्वर वैसे का वैसे ही चल रहा है, सिल्वर गैसियस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 नेगेटिव हो जाएगा फिर गैसियस है, और हमें इसी फॉर्म में चाहिए ना, क्योंकि लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। तो सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर +1 आयन बनाना था और ऑक्साइड 2 नेगेटिव आयन बनाना था। ये हमारे पास हो जाएगी लैटिस एनर्जी ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, यही हमें निकालनी है। तो ये एक्स है, बाकी सारी वैल्यूज देखो आपको टेबल में गिवन है, बाकी सारी वैल्यूज आपने टेबल से लिखनी है। आप अगर ये काम बगैर साइकिल बनाए कर सकते हो तो भी सही है, साइकिल के मार्क्स नहीं है क्योंकि उसने बोला हुआ नहीं है कि इसमें बोला हुआ है इट मे बी हेल्पफुल, तो इट्स योर चॉइस इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ द साइकिल और नॉट। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन लिख सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि साइकिल बना लेना, गलतियां कर जाते हो बीच में। अच्छा फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड कितना गिवन है हमें, -31, दिस इज -31। ऑटोमाइजेशन ऑफ सिल्वर भी गिवन है देखो ऊपर, वो है +285। अच्छा 2 मोल ऑफ सिल्वर एटम है, तो हम 2 × कितना था, 285। फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिल्वर भी हमें गिवन है, जो कि +731 है। अब 2 मोल ऑफ सिल्वर आयन बनेंगे तो 2 × 731 करेंगे, सारी पॉजिटिव है इसलिए मैं पॉजिटिव का साइन नहीं लगा रहा हूँ। ऑटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन देखो, ऑटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हमें गिवन नहीं है, हमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। देखो अगर मैं ऑक्सीजन को ऑटोमाइज करता हूँ, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ ऑटोमाइजेशन, व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैशियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो ऑक्सीजन का गैशियस एटम बनेगा ऑक्सीजन के एलिमेंट से जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में O2 गैस होता है, तो 1 मोल ऑफ अ गैशियस एटम इज फॉर्म। तो राइट हैंड साइड पे मुझे हर हाल में 1 मोल ही रखना होता है अगर मैं ऑटोमाइजेशन की इक्वेशन बना रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे ½ मोल ऑफ ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। देखो बॉन्ड एनर्जी और ऑटोमाइजेशन को कैसे कनेक्ट करते हैं, अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है वह है 496। हमारी जो ऑटोमाइजेशन की इक्वेशन बनी है इसमें ऑक्सीजन का 1 मोल नहीं आ रहा, 0.5 मोल आ रहा है, तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जीज को या बॉन्ड इंथेल्पी को ऑटोमाइजेशन में कन्वर्ट करना चाहूं, तो बॉन्ड इंथैल्पी 1 मोल ऑफ O2 के लिए और ऑटोमाइजेशन 0.5 मोल ऑफ O2 के लिए बन रहा है, तो बॉन्ड इंथैल्पी को 1 मोल ऑफ O2 के लिए बन रहा है ना, तो 0.5 मोल ऑफ O2 के लिए डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, ऑटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें पता नहीं लोग गलतियां कर देते हो, तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखना, बॉन्ड इंथैल्पी डिवाइड बाय 2 करोगे तो हमारे पास ऑटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बनेगा, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैसियस ऑक्सीजन एटम बनाने के लिए यू हैव टू ब्रेक 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब इसमें क्वेश्चन में हमारे पास 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है 496, ठीक है, दिस इज द बॉन्ड एनर्जी। और ऑटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो है 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पे इस इक्वेशन में 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी आ रहा है, तो यहाँ पे आप जो वैल्यू लिखोगे 496 वो डिवाइड बाय 2 करके लिखोगे,
ये भी पॉजिटिव होती है ऑटोमाइजेशन, ब्रेकिंग हो रही है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग, समझ आती है बात? ऑटोमाइजेशन इज बेसिकली बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाय टू, बॉन्ड एनर्जी दी हुई है 496, डिवाइड बाय टू करेंगे तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए बनेगी वो, ठीक है, क्योंकि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हमें बनाना है, तो हम जा रहे हैं, ये ऑटोमाइजेशन की इक्वेशन बन रही है ना, तो यहाँ पे हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन आएगा, तो बॉन्ड एनर्जी को डिवाइड बाय टू करेंगे तो ऑटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बनेगा, 496 इज द ऑटो, 496 ओवर 2 इज द ऑटोमाइजेशन फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हाफ मोल ऑफ O2 से बन रही है, और 496 1 मोल ऑफ O2 के लिए है, तो हाफ मोल ऑफ O2 के लिए मैं 496 को डिवाइड बाय टू करूंगा। हाँ, अगर डायरेक्टली ऑटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गिवन होगा तो फिर हमें हाफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो क्वेश्चन में इस तरह के कभी दे भी देता है कभी कभार डायरेक्टली ऑटोमाइजेशन, लेकिन अगर मोस्टली बॉन्ड एंथैल्पी देता है वो, इसलिए यहाँ पे ये गलती कर जाते हो आप लोग, 496 को डिवाइड बाय टू नहीं करोगे, वो पूरा आंसर जो है वो फाइनल आंसर गलत हो जाएगा, पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे लेकिन 1 मार्क कट जाएगा उसका, ठीक है, सही है अब्दुल अजीज, आगे बढ़े। इसी तरह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन का 1 मोल 1 मोल चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो दिया हुआ है हमें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -141 दिया हुआ है, इज -141, और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है वो है +798, नहीं देखो जो 496 है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड की नहीं देखोगे, सिंगल बॉन्ड का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के 2 एटम्स के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, राइट? ओके, अब आपने इन सारी इंथैल्पीज को ऐड करना है, अगर मैं अपना हैसेस साइकिल जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो हमारा जो है ये चलेगा इधर इधर और फिर ये सारे एरोस तो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वाला एरो है वो इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे लिख देंगे, क्योंकि वन फॉलो कर रहे हैं, तो इक्वल्स टू -31 फॉर्मेशन वाला, उसके ऊपर बाकी जितने भी हैं वो इक्वेशन के एक ही साइड पर आएगा, जैसे 2 × 285 +2 × 731 +496/2 प्लस फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -141, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +798, और प्लस लेटेस्ट एंथैल्पी जो के अननोन है, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आ रहा है। -2968 किलो जूल पर मोल, इसमें बहुत गलतियां होती हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों, प्रैक्टिस करना इसकी पहले से, ठीक है, सबका -2968 आ रहा है। टेबल कह रहे हो, ओके सही है, आगे बढ़े।
नेक्स्ट पार्ट में इज सेइंग सजेस्ट द ट्रेंड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिस एनर्जीज ऑफ सिल्वर कंपाउंड. सिल्वर सल्फाइड है, फिर एक सेलेनियम दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है. तो भाई अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे ग्रुप 16 के हैं ना, ऑक्सीजन सल्फाइड और सेलेनियम. तो डाउन द ग्रुप एनाइन्स एनाइनिक साइज इंक्रीज होता है, तो ये माइंड में रखना है, इसको यूज करते हुए हम एक्सप्लेन करेंगे बातों को. मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी, अब किसका लीस्ट एक्सोथर्मिक होगा, जिसमें देखो कैटायनिक और एनायनिक चार्जेस तो सेम है, सिल्वर आयन पे +1 चार्ज है. अगर मैं सिल्वर का सल्फर के साथ देखता हूँ तो सल्फर इज -2 एंड सिल्वर आयन इज +1. इसी तरह सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर इज +1, ऑक्सीजन इज -2. सिल्वर सेलिनियम में सिल्वर +1, सेलिनियम -2. चार्जेस तो सेम है, तो चार्ज डेंसिटी से देखेंगे ना, तो चार्ज डेंसिटी सबसे कम किसकी होगी, सेलिनियम की, क्योंकि साइज बड़ा है ना. चार्ज डेंसिटी ऑफ एनाइन सबसे कम होगी डाउन द ग्रुप. तो जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी, तो लीस्ट एक्सोथर्मिक लैटिस एनर्जी किसकी बनेगी, जिसमें इलेक्ट्रो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगी. लीस्ट एक्सोथर्मिक ये होगा, और मोस्ट एक्सोथर्मिक जो होगा वो सिल्वर ऑक्साइड होगा और बीच में सल्फाइड आ जाएगा. इसके एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे, चार्ज डेंसिटी ऑफ एनाइन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज एनाइनिक साइज इंक्रीजेस. ठीक है, दैट्स इट. आगे बढ़े. अच्छा, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन एज इट इज आई थिंक वैसा ही है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, ऑलमोस्ट वैसा ही है. इसको छोड़ दूं, खुद करोगे? इसका जो पार्ट एफ है उसमें कह रहे थे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर इज +22.6. सजेस्ट हाउ द फिजिबिलिटी ऑफ डिसॉल्विंग सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर चेंजेस विद टेंपरेचर. जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना, तो इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेज द फिजिबिलिटी ऑफ डिसॉल्विंग सिल्वर नाइट्रेट. और फिजिबिलिटी इंक्रीज होने का रीजन क्या होता है, देखो हमने इक्वेशन पढ़ी थी फ्री एनर्जी वाली, फ्री एनर्जी की इक्वेशन में हमने ये देखा था जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास क्या होगा, ये जो राइट साइड पे जो टर्म है जिसके साथ नेगेटिव है ये मोर पॉजिटिव होगा, मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी तो इसके साथ ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो इंथैल्पी चेंज से जब इसको माइनस करोगे, अब इंथैल्पी चेंज की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आप बल्कि दिया हुआ है इंथैल्पी चेंज +22.6. इंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव है और ये जो वैल्यू आपकी आएगी जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो नेगेटिव वाला पोर्शन बढ़ रहा है ना, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव करोगे तो ये आंसर जो है वो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये आंसर जो है वो छोटा आएगा. जब ये आंसर छोटा आएगा तो डेल जी विल बिकम लेस पॉजिटिव या मोर नेगेटिव. ठीक है, ये हमेशा इसी तरह से आता है और यही एक्सप्लेनेशन होती है. देखो इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है हमारे पास इस रिएक्शन का 22.6. अब टेम्परेचर एंट्रोपी जो आपके पास चेंज इन एंट्रोपी आएगा जब आप टेम्परेचर को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म बढ़ के नेगेटिव पोर्शन बढ़ेगा. जब नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी वो लेस पॉजिटिव बनेगी या मोर नेगेटिव बनेगी. तो जब फ्री एनर्जी हमारे पास लेस पॉजिटिव या मोर नेगेटिव होती है तो हमारा जो रिएक्शन है वो मोर फिजिबल होता है. एंट्रोपी जो है वो अगर मोर पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन मोर फिजिबल होता है, उल्टा होता है. फ्री एनर्जी अगर लेस पॉजिटिव होगी तो मोर फिजिबल होगा, एंट्रोपी चेंज मोर पॉजिटिव होगा तो मोर फिजिबल होगा. तो आप एंट्रोपी चेंज की टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्री एनर्जी की टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो. आप इस
का क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से आता है, तो आपने जो है ना इसको एक्सप्लेनेशन के लिए बेस्ट तरीका इसका ये होता है कि आप जो है ये वाली इक्वेशंस को यूज करो इसको समझाने के लिए। देखो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी है, अगर मैं क्या था ये सिल्वर सल्फाइड है, अगर मैं सिल्वर सल्फाइड को डिसॉल्व करवा रहा हूँ तो सिल्वर आयन बनेंगे और सल्फाइड आयन बनेंगे, ये सॉलिड स्टेट से आयनिक स्टेट में जा रहा है तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, तो एंट्रोपी जो होगी वो हमेशा बढ़ेगी ना, इंक्रीज इन एंट्रोपी विल इंक्रीज, चेंज इन एंट्रोपी विल बी मोर, तो इसका एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है एंट्रोपी चेंज? बिकॉज डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा है। मुझे कैसे पता डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा है? भाई एक सॉलिड चीज पानी में डिसॉल्व हो रही है, एक्वस आयन बन रहा है, तो वो सॉलिड से लिक्विड एक्वस स्टेट में जा रहा है, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा है मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और एंट्रोपी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि एंट्रोपी पॉजिटिव है, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है, एंट्रोपी वाली टर्म तो पॉजिटिव है। इसमें टेम्परेचर की जगह पे अगर मैं अपनी मर्जी से कोई वैल्यू सपोज कर लूँ, 22.6 इंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव है, टेम्परेचर की जगह पे पहले मैंने 50 लिया हुआ राइट, और एंट्रोपी चेंज लेट से मैंने 0.4 लिया। अब इससे आंसर निकालो, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा के 100 कर दूँ और इससे आंसर निकालो, पहले से आ रहा है +2.6, और दूसरा आ रहा है -17.4। तो फ्री एनर्जी जितना लेस पॉजिटिव होगा या जितना मोर नेगेटिव होगा, देखो ये याद कर लो, एंट्रोपी चेंज मोर पॉजिटिव होना या लेस नेगेटिव होना, रिएक्शन इज मोर फेजेबल, और फ्री एनर्जी लेस पॉजिटिव होना या मोर नेगेटिव होना मेक्स रिएक्शन मोर फेजेबल। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से इस पर्टिकुलर रिएक्शन में फ्री एनर्जी जो होगी वो लेस पॉजिटिव होगी, और जब वो लेस पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन विल बिकम मोर फिजिबल। सही है वरीसा अब्दुल अजीज, वो जो सॉल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन है ना वैसे हमने लास्ट पेपर में भी किया है, जब वो करोगे ना उसकी रिकॉर्डिंग देखोगे तो वो हो जाएगा सॉल्व, नहीं हो फिर भी तो आंसर नहीं आया तो बताना कर लेंगे उसको। इसको आप कैसे लिखोगे? पहली बात तो फिजिबिलिटी ऑफ डिसॉल्विंग सिल्वर नाइट्रेट विल इंक्रीज, विल इंक्रीज एस इंक्रीज इन टेम्परेचर मेक्स डेल जी मोर नेगेटिव। ठीक है भाई, ठीक आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन 4 में इज सेइंग एक्सप्लेन व्हाट, अच्छा रिएक्शन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन जी में इनिशियल रेट दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन निकलवाएगा आपसे, तो वो एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। देखो एक तो होता है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, इट इज द पावर टू विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रेस्ड इन द रेट इक्वेशन,
ये ओवरऑल ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब अगर मेरे पास कोई रेट इक्वेशन है और उसमें एक से ज्यादा कोई रिएक्टेंट है तो उन सबके जो पावर है वो ऐड करनी पड़ती है। तो ओवरऑल ऑर्डर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सम ऑफ ऑल दी पावर्स टू विश दी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर रेज इन दी रेट इक्वेशन। अगर ये सिर्फ आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है पावर टू विच दी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर रेस्ड इन द रेट इक्वेशन। ओवरऑल ऑर्डर में बस एक वर्ड आ गया, सम ऑफ ऑल द पावर्स टू विच द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेस्ड इन द रेट इक्वेशन। चले आगे, अब नेक्स्ट इज सेइंग यूज द टेबल इन 4.1 टू रिड्यूस ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Fe3 पॉजिटिव आयन एंड विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड आयन। तो देखो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे ऑर्डर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू Fe3 पॉजिटिव आयन तो मुझे ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करना है जिसमें सिर्फ Fe3 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन चेंज हो रही हो, आयोडाइड की ना हो रही हो। जैसे एक्सपेरिमेंट वन एंड टू है, कंसीडरिंग एक्सपेरिमेंट वन एंड एक्सपेरिमेंट टू, इसको आप सॉल्व भी करके दे सकते हो। जैसे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वन टू टू, तो एक्सपेरिमेंट टू में Fe2 3 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन हो गया है 0.12 और एक्सपेरिमेंट वन में कितना था 0.04। वैसे इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि भाई हमने कंसेंट्रेशन कितने टाइम्स बढ़ाई है Fe3 पॉजिटिव आयन की, उससे इनिशियल रेट कितने टाइम्स बढ़ा है उसके हिसाब से ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली आपको इसमें मुश्किल हो रही होती है, तो मैं कहता हूँ कि इस तरह से सॉल्व कर लो, कंसेंट्रेशन से पावर लगाओ एन जो कि उसका ऑर्डर होगा, और एक्सपेरिमेंट वन से टू में रेट क्या चेंज हो गया, एक्सपेरिमेंट टू में रेट हो गया है 7.92 एक्सपोनेंट -4 और पहले कितना था 2.64 एक्सपोनेंट -4। मतलब एक्सपेरिमेंट टू की वैल्यू मैंने न्यूमरेटर्स में लिखी है, वन की डिनोमिनेटर में लिखी है, आप उल्टा भी कर सकते हो। जब इसको सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0.12 डिवाइड बाय 0.04 ये आ जाएगा 3, पे पावर होगी एन, और राइट हैंड साइड पे वी हैव 7.92 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय 2.64 एक्सपोनेंट -4, ये भी आ रही है 3। तो दोनों की बेसिस सेम है तो एन की जगह पे क्या हो जाएगा वन। दिस इज दी फर्स्ट ऑर्डर, तो Fe3 पॉजिटिव आयन के रिस्पेक्ट से क्या है फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह आयोडाइड आयन के रिस्पेक्ट से कैसे निकालोगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड आयन। तो अच्छा ऐसे कोई जो एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें आयोडाइड आयन की कंसेंट्रेशन चेंज हो रही हो लेकिन Fe3 पॉजिटिव आयन की कॉन्स्टेंट है, लेकिन क्योंकि आप Fe3 पॉजिटिव आयन का ऑर्डर ऑलरेडी निकाल चुके हुए हो तो हम एक्सपेरिमेंट टू एंड एक्सपेरिमेंट थ्री ही ले सकते हैं इसमें, क्योंकि इन दोनों एक्सपेरिमेंट में आयोडाइड आयन की कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है। आयोडाइड आयन की कंसेंट्रेशन 0.04 हो गई है एक्सपेरिमेंट थ्री में फ्रॉम 0.02 इन एक्सपेरिमेंट वन। इसका ऑर्डर निकालना है तो अब इस पे पावर एन हो, लेकिन Fe3 पॉजिटिव आयन की भी चेंज हो रही है ना तो मुझे वो भी लेना पड़ेगा साथ में, 0.08 हो गई है उसकी फ्रॉम 0.12 और इसका ऑर्डर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो जो कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसमें पावर वन लिखोगे और रेट क्या हो गया एक्सपेरिमेंट थ्री में 2.11 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 7.92 एक्सपोनेंट -4। इसको सॉल्व करो, मतलब जो लेफ्ट वाली टर्म है जिसमें एन लिखा हुआ है आयोडाइड के लिए वो लेफ्ट पे छोड़ देना, बाकी ये राइट साइड वाली पूरी सॉल्व करो के आंसर बताओ क्या आ रहा है। 0.04 डिवाइड बाय 0.02 तो ये आ जाएगा 2 की पावर n, और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास वैल्यू बनेगी
वो बन रही है 4, 3.99 बन रही है 4। इसको हम 4 को हम 2 की पावर 2 लिखेंगे तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2। तो दिस शोज के ये सेकेंड ऑर्डर है, 3 पॉजिटिव आइन फर्स्ट ऑर्डर है। उस्मान बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, आप ये वर्डिंग भी लिख सकते हो अगर आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 में जब हमने Fe3 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज की है तो हमारे पास इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन जो आया है वो 0.08 से 0.12। बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो मेथड है इसमें आपका आंसर गलत नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का। और ये बात आप जो वर्डिंग में लिख रहे हो हमने मैथमेटिकली ये बात सॉल्व कर दी है ना, तो कितने टाइम्स कंसेंट्रेशन चेंज करने से कितने टाइम्स रेट पे फर्क पड़ रहा है, तो ये सब मैथमेटिकली आ गया हमारे पास। ठीक है, तो जो जिस मेथड की आपकी प्रैक्टिस हुई भी आप उसी से करो, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास ये वाली जो चीज है हमने वो राइट साइड पे ले जाके डिवाइड की है और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी थी वो 2 की पावर n में लिया है। अच्छा जी, रेट इक्वेशन क्या बनेगी, Fe3 पॉजिटिव आयन के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर आया है और आयोडाइड आयन के रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर आया है। यूज एक्सपेरिमेंट 1 टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो आप इस रेट इक्वेशन में आप एक्सपेरिमेंट 1 में जो वैल्यू दी हुई है Fe3 पॉजिटिव आयन की और आयोडाइड आयन की वो डालोगे। कंसंट्रेशन Fe3 पॉजिटिव आयन की 0.04 है और आयोडाइड आयन की 0.02 है और रेट उसका गिवन है 2.64 एक्सपोनेंट माइनस 4। ये हो जाएगा 2.64 एक्सपोनेंट माइनस 4। यू हैव टू फाइंड फॉर के कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन इज 0.04 एंड आयोडाइड आयन इज 0.02, उस पे पावर 2 आएगा। यहाँ से यू हैव टू फाइंड फॉर के जो कि आपका 16.5 आ रहा है। यूनिट्स आपको निकालने पड़ेंगे। देखो रेट का यूनिट हमेशा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होता है, बाकी कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है। जब के को सब्जेक्ट बनाओगे तो रेट डिवाइडेड बाय Fe3 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन विद द पावर 2 है। रेट का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब और आयोडाइड आयनेस मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उस पे पावर 2 है। इसको सॉल्व कर लो तो ये यूनिट मोल पर डीएम क्यूब एक कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट मोल स्क्वायर डीएम 6, ऊपर जाके वो +6 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। आगे कह रहे हैं डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द रेट कॉन्स्टेंट एंड द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। देखो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ अ रिएक्शन तो बढ़ता ही है ना, रेट कॉन्स्टेंट के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करोगे, रेट इंक्रीज होगा हमें पता है। तो राइट हैंड साइड पे टेम्परेचर बढ़ाने से कंसेंट्रेशन तो चेंज नहीं होती है ना, वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी। तो रेट कांस्टेंट क्या होना चाहिए, अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर रेट बढ़ रहा है तो राइट हैंड साइड पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो ही रेट बढ़ेगा ना। रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, अगर डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस। क्लियर है, आगे बढ़े। पार्ट बी में इज सेइंग इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडाइड आयंस रिएक्ट विद एसिडिफाइड हाइड्रोजन परऑक्साइड एज शोन। एक इक्वेशन गिवन है आपको, द इनिशियल रेट इज फाउंड टू बी द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड आयन।
The first order with respect to H2O2 and zero order with respect to H positive आयन. ठीक है, मतलब इसकी जो रेट इक्वेशन होगी उसमें आयोडाइड आयन के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, H2O2 के रिस्पेक्ट से भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये दोनों आएंगे. H पॉजिटिव आयन के रिस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर है तो वो रेट इक्वेशन में आएगा नहीं. सजेस्ट, अच्छा ये स्टेप दिए हुए, मल्टी स्टेप रिएक्शन दिया हुआ है, स्टेप दिए हुए, कह रहे सजेस्ट विच ऑफ दी स्टेप्स 1 2 3 और 4 इन दिस मैकेनिज्म इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप. रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो होता है जिसमें वो सारे रिएक्टेंट जरूर आए जिसमें जिनका जो रेट इक्वेशन में है. तो ऐसा कौन सा स्टेप है जिसमें ये दोनों ही रिएक्टेंट्स हैं, आयोडाइड आयन और H2O2, तो ये फर्स्ट स्टेप है. ठीक है, और क्योंकि इसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटीज को देख के ऑर्डर डिसाइड कर रहे होते हैं, तो H2O2 का देखो 1 मोल है और आयोडाइड आयन का भी 1 मोल है. अब इसको मोल्स की टर्म्स में जब हम मैकेनिज्म बनाते हैं ना, तो हम बात इन टर्म्स ऑफ मोल्स नहीं कर रहे होते, हम बात इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी कर सकते हो, इट्स ओके, मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में भी बात कर सकते हो. तो बहरहाल यहाँ पे मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ H2O2 1 मोल ऑफ आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये स्लो स्टेप इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें वो दोनों रिएक्टेंट्स हैं जो कि रेट इक्वेशन में आ रहे हैं, जिनका ऑर्डर जो है वो 0 ऑर्डर से ज्यादा है. तो हमारा स्टेप 1 जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है. बिकॉज बोथ द रिएक्टेंट्स ऑफ स्टेप 1 आर प्रेजेंट इन रेट इक्वेशन विद 1 मोल ऑफ H2O2, दिस शोज के इसका फर्स्ट ऑर्डर है एंड 1 मोल ऑफ आई नेगेटिव आइन विच ऑल्सो कंफर्म्स के इसका भी फर्स्ट ऑर्डर है. और उसने फर्स्ट ऑर्डर बताया हुआ है ना हमें. देखो ओवरऑल स्टोशियोमेट्रिक इक्वेशन के मोल्स देख के हम ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते, हाँ लेकिन जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो मोल्स होते हैं वो ऑर्डर को शो कर रहे होते हैं. अगर मैं इसकी ओवरऑल इक्वेशन देखूँ ना, तो ओवरऑल इक्वेशन में आयोडाइड आयन के 2 मोल्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा. जो हमारी मल्टी जो हम डिफरेंट स्टेप्स लिखते हैं मैकेनिज्म के, उसमें जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो रिएक्टेंट्स के मोल्स होते हैं दे corresponds to the order of that particular reactant. However, in a complete reaction equation, the moles do not represent the order. तो आप 2 मोल ऑफ आयोडाइड आयन को देखे टू सेकेंड ऑर्डर नहीं कह सकते आयोडाइड आयन का, क्योंकि ये कंप्लीट इक्वेजन है. और जो स्टेप इक्वेजन होती है हमारे पास, जिसमें आप रिएक्शन मैकेनिज्म की इक्वेजन लिखी भी होती हैं, उनमें हमारे पास जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, अगर वो सारे के सारे रिएक्टेंट उस स्टेप में हैं, तो उनके मोल जो है वो कोरिस्पॉन्ड करते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्टेंट को. या आई थिंक लास्ट क्लास में कोई पूछ रहा था लास्ट पेपर करते वक्त. सही है, आगे बढ़े. नेक्स्ट कह रहे आइडेंटिफाई स्टेप इन फिगर 4.1 दैट इन्वॉल्व्स अ रिडॉक्स रिएक्शन. अब रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो. वैसे जो स्टेप 1 है वो भी रिडॉक्स रिएक्शन ही है, क्योंकि इसमें अगर मैं H2O2 में, अब ये परोक्साइड आयन होता है ऑक्साइड आयन, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स होती है +1, परोक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन होता है ना वो बेसिकली उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है. अगर मैं इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू ना, ये 2 2x0 x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 2, -1 आएगा. ठीक है, जो परऑक्साइड आयन होता है उसका फॉर्मूला भी याद कर लो, O2 2 नेगेटिव.
एक ऑक्साइड आयन होता है जिसमें ऑक्साइड आयन अगर है ना, मतलब H2O2 में ही परऑक्साइड हमने देखा है ना, उसके अलावा तो हमने परऑक्साइड आयन का कोई आज तक ओ लेवल से A2 में उसने कोई और एग्जांपल नहीं लिया है, H2O2 की लेता है। जो ऑक्साइड आयन होता है वो O2 नेगेटिव आयन होता है। वैसे एक सुपर ऑक्साइड भी होता है जो हमें नहीं पढ़ना, परऑक्साइड पढ़ेंगे और ऑक्साइड पढ़ेंगे, AS में पढ़ा होता है ये हमने रिडॉक्स में। तो H2O2 में ऑक्साइड आयन -1 है और वो H2O में -2 हो गया है। और आयोडाइड आयन देखो, ये -2 से -1 हो गया, तो इसका मतलब है दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, हेंस इट इज रिडक्शन। और जो आयोडाइड आयन है वो IO-1 में क्या हो गया, आयोडीन एक्स ले लेते हैं, ऑक्सीजन -2। H2O2 के अलावा ऑक्सीजन जहां भी आपको मिलेगा वो -2 ही होगा। यहाँ पे आयोडाइड -1 से +1 हो गया, तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेप 1 में आयोडाइड आयन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम आयोडाइड आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम -1 to +1, विच इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीडेशन। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है फ्रॉम -1 इन परऑक्साइड आयन टू टू नेगेटिव, विच इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स रिडक्शन। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। सजेस्ट द रोल ऑफ HIO इन दिस मैकेनिज्म। HIO जो है वो स्टेप 2 में बना है। हाँ, स्टेप 3 भी रिडॉक्स है, बिल्कुल है। स्टेप 3 में भी आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो HIO में डिफरेंट है। आयोडीन जो है वो चेंज हो रही है 2 बार, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 भी हो रही है, और इसमें HIO में +1 आएगी ना, +1 से 0 भी हो रही है। तो आपने लिखने थे नहीं, आइडेंटिफाई आ स्टेप, कोई एक स्टेप लिखना था, तो आप स्टेप 3 भी लिख सकते हो, बिल्कुल हो सकता है स्टेप 3। हाँ, HIO जो बना था स्टेप 2 में, स्टेप 3 में कंज्यूम हो गया, इसका मतलब है वो इंटरमीडिएट है। राइट बिकॉज इट इज फॉर्म्ड इन स्टेप 2 एंड यूज्ड अप इन स्टेप 3। आगे बढ़े।
अच्छा जी, ऑर्गेनिक। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स इन फिगर 5.1 फॉर द पॉसिबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ थ्री रिएक्शन शोन फॉर 3 मार्क्स। अच्छा, पहले में तो हाइड्रोजनेशन हुई है बेंजीन की, दिस इज हाइड्रोजनेशन, या इसको हम रिडक्शन ऑफ बेंजीन रिंग भी कहते हैं। हाइड्रोजन डाला है ना, तो बेंजीन रिंग में जो डिलोक्लाई सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। दूसरे में ब्रोमीन डाला है अंदर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो यूवी लाइट जब होगी साथ तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, बल्कि जो इसके आगे मिथाइल लगा हुआ है ना CH3, उसमें से कोई एक हाइड्रोजन आता ब्रोमीन लगा दो, मतलब इसको CH2Br कर दो। थर्ड रिएक्शन में उन्होंने कैटलिस्ट डाला है FeBr3, मतलब इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, जिसमें बेंजीन रिंग में ब्रोमीन आके लगेगा। अब अगर मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल 2,4,6 पोजीशन को एक्टिवेट करता है, तो एक प्रोडक्ट 2-ब्रोमो-मिथाइल बेंजीन बनेगा और एक आपका 4-ब्रोमो-मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HIO को कह रहे हो? नहीं, एक मिनट रुको, मैं देख लूं जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वो यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, उसमें जो I+1 आयन है वो +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रही है। हाँ, आयोडाइड, उसमें आयोडीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो हाँ HIO को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिख सकते हो इसमें ना। उस्मान ठीक कह रहे हो, ये भी लिख सकते हो। 1 मार्क का था तो हमने इंटरमीडिएट लिख दिया, वो मार्क मिल जाएगा हमें। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझाना होगा तो फिर आप लिखोगे I+1 आयन से 0 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दिस इज अ इंक्रीज इन, सॉरी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ना, तो इट इज बीइंग रिड्यूस, हैज मस्ट बी एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? लिख सकते हो, गुड। ठीक है, आगे बढ़े, ये स्ट्रक्चर समझ आ गए। आगे कह रहे टाइप ऑफ रिएक्शन इन रिएक्शन 1, और रिएक्शन 1 का जो टाइप है वो हाइड्रोजनेशन है, या रिडक्शन भी कह सकते हो उसको, और रिएक्शन 2 का मैकेनिज्म पूछ रहा है। रिएक्शन 2 में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुई है, यूवी लाइट है ना, व्हेन मिथाइल बेंजीन रिएक्ट्स विद एन इलेक्ट्रोफाइल अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स, नो एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर दीज कंडीशंस। तो मिथाइल बेंजीन को जब हम किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एडिशन नहीं होगा। एडिशन एल्कीन्स में होता है, बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकता, ठीक है? और उसका क्या रीजन है? क्योंकि जो बेंजीन का डीलोकलाइज सिस्टम है, पाई डीलोकलाइज सिस्टम, वो स्टेबलाइज हुआ हुआ होता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक कर भी देगा तो वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में से जैसे वो सिंगल बॉन्ड बन जाता है और कार्बोकेटाइन बन जाता है ना, बेंजीन में कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, क्योंकि वो जो डबल बॉन्ड एल्कीन में खत्म हो रहा है, बेंजीन का डीलोकलाइज सिस्टम खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्टेबलाइज होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखोगे? पाए डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स स्टेबलाइजेस दी बेंजीन रिंग ऑफ दी सब्स्टिट्यूशन होने के बाद ऑफ दी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, तो कार्बोकेटाइन डबल के बाद लिखने की जरूरत नहीं, काफी है। एल्कीन्स में एडिशन होती है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड एल्कीन्स में है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता जितना बेंजीन का जो डी
पाई बॉन्ड्स का सिस्टम है पूरा, 6 इलेक्ट्रॉन्स का, वो स्टेबलाइज होता है, तो वो अपना बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, फॉर अ वाइल तोड़ता है, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज बनता है, लेकिन वो जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन देके फिर निकलेगा और डीलोकलाइज सिस्टम रीजनरेट हो जाता है। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि दिस डीलोकलाइज सिस्टम इज अ स्टेबलाइज सिस्टम, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना हमारा इंटरमीडिएट, इसमें हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देके निकलेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि डीलोकलाइज सिस्टम इनकम्प्लीट रह जाए, वो दोबारा से रीजनरेट करेगा ही करेगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। अच्छा जी, आगे कह रहे थे रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन विद थायोनाइल ब्रोमाइड। ओके, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड SOCl2 के साथ इसने SOBr2 ले लिया। जो रिएक्शन आप SOCl2 के लिए पढ़ते थे वही आप यहाँ पे पढ़ोगे। बेंजीन में जब बेंजोइल क्लोराइड बनाया था, रिमेम्बर, तो हमने एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया था। इसने एसाइल क्लोराइड नहीं दिया हुआ है, थायोनाइल क्लोराइड दे दिया है, मतलब कार्बन की जगह सल्फर है, तो उसी से रिलेट करके मुझे इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। सही है, कैटलिस्ट लिया हुआ है इसने, देखो SOBr2 है ना, और कैटलिस्ट लिया हुआ है FeBr3। अगर अपना आप रिकॉल करो एसाइल क्लोराइड को, उसमें भी जब आप ये FeBr3 कैटलिस्ट डाल लेते तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था, और ये जाके फिर बेंजीन रिंग में ऐड हो रहा था। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो सल्फर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और एक Br निकल जाएगा, एक भी यार रह जाएगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ पहले से, जो मैंने सब पढ़ा हुआ ऑर्गेनिक में उससे रिलेटेड ही है ये। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी बेंजीन में, और यहाँ पे हमारे पास जो हमने अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ा है वो क्या था, इसको हम बेंजोइल कहते हैं। बहरहाल इसने यहाँ पे इसकी जगह सल्फर लगाया हुआ है, समझ आई ये बात, हुआ क्या है रिएक्शन में। आगे जो पूछा हुआ है वो तो देखते हैं, पहले हम जरा ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि करवा क्या दिया इसने रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन तो हमने नहीं पढ़ा है ना, हमने पढ़ना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है उसी से हमने एनालॉजी बनानी है, जो हमने रिएक्शन पढ़े हुए उन्हीं को कंसिडर करते हुए देखना है कि यहाँ क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू डेट ऑफ द ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। ओके, द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म जनरेट्स द SOBr+1 इलेक्ट्रोफाइल एज शोन। आगे समझाया हुआ है इसने, देखो आगे सारी बातें बताई भी हैं। रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन विद SOBr+1 आयन शोन इन फिगर 5.3, कंप्लीट द मैकेनिज्म इन फिगर 5.3, इंक्लूड ऑल द रेलिवेंट कर्ली एरोज एंड चार्जेस। तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बनाते हो बस वो बनानी है, जो सल्फर लगा है ये सेकंड कार्बन पे लग रहा है ना, तो यहाँ पे आके जब ये लगेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, तो इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक Br है, डीलोकलाइज सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा जो कि अपना इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा, एंड फाइनल प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन निकला है वो, और जो आपका SOBr2 में से एक ब्रोमीन निकला है ब्रोमाइड आयन बना के, ये मिलके HBr बना लेगा। सही है भाई, आगे बढ़े।
आगे कह रहे हैं द रिएक्शन शोन इन फिगर 5.2 प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ बाय प्रोडक्ट बी विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C14H14OS सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बाय प्रोडक्ट बी। कार्बन 14 हो गए। अच्छा 5.2 में जो हमें रिएक्शन दिया हुआ है वो ये वाला रिएक्शन है। इसमें कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 6 बेंजीन के, मिथाइल के, तो 7 कार्बन, 14 कार्बन हुए। मतलब ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हुए। देखो ना इसमें कार्बन कितने हैं? 7 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? CH3 पे 3 हाइड्रोजन, 3, 4, 5, 6, 7। और सल्फर ऑक्सीजन 1 है, सल्फर 1 है और Br है। कह रहे जो अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना है वो C14 है, हाइड्रोजन भी 14 है, हाइड्रोजन भी डबल हो रहा है, ऑक्सीजन उतना ही है, सल्फर भी एक ही है। तो मतलब ये वाली जो पूरी चीज है, जो बेंजीन वाला पार्ट है, ये ही एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। उसी में कार्बन 7 से 14 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 7 से 14 हो जाएंगे। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए उसमें ऐसे दो रिंग होने चाहिए बेंजीन के, लेकिन सल्फर और ऑक्सीजन भी है। तो इसका मतलब है ये जो Br है ना हमारा, ये वाला Br भी निकलेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये पूरी चीज जाके ऐसे ही एक बेंजीन में जाके अटैच हो जाएगी। ये बेंजीन रिंग दो, साथ ज्वाइन हो जाएंगे ऐसे। अब इसमें देखो 14 कार्बन 14 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एंड 1 सल्फर बनेगा और Br निकल गया है। क्योंकि इसमें देखो फाइनल फॉर्मूला में Br नहीं था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि Br को हटा के इलेक्ट्रोफाइल बना के दूसरे मिथाइल बेंजीन में जाके ऐड करवा दें इसको। क्लियर है? आगे बढ़े। अब एसाइल ब्रोमाइड्स देखो आ गया ना, एसाइल क्लोराइड से एसाइल ब्रोमाइड पे। हमने एसाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, इसमें हमने एसाइल क्लोराइड्स पढ़े। इट कैन बी सिंथेसाइज बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड SOBr2। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते थे तो एसाइल क्लोराइड बनता था। अब इसने कार्बोक्सिलिक एसिड को SOBr2 के साथ रिएक्ट करवाया तो एसाइल ब्रोमाइड बन गया। दिस इज अ सिमिलर रिएक्शन टू द सिंथेसिस ऑफ द एसाइल क्लोराइड, क्योंकि हमने एसाइल क्लोराइड पढ़ा है इसलिए ना यहाँ पे रिलेशनशिप बना दिया। अब इथेनोइक एसिड हमारे पास जो होता है वो CH3COOH है। इसमें SOCl2 की जगह SOBr2 ले लिया है बस। तो जो कार्बोक्सिलिक का आखिर का OH है वो हट जाएगा, उसकी जगह पे Br लग जाएगा। और इसमें साथ में हमारे पास जो वाटर भी बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता था, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। जो फॉर्मेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड की इक्वेशन है ना फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड जो सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड के साथ है, बस वो सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड SOCl2 की जगह उसने SOBr2 ले लिया, तो इसलिए HCl की जगह HBr बन रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है सजेस्ट द रिलेटिव ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल ब्रोमाइड, एसाइल क्लोराइड एंड अल्काइल क्लोराइड। हाइड्रोलिसिस मतलब हैलोजन हटा के हम OH लगाए उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जैसे एक हमारे पास एसाइल ब्रोमाइड है, एक एसाइल क्लोराइड है और एक अल्काइल क्लोराइड है। तो इन सब में क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा,
और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, सबसे इजली ओएच आइन किसको रिप्लेस कर सकता है? ब्रोमाइड को, क्लोराइड को एसाइल क्लोराइड में, या एल्काइल क्लोराइड में क्लोरीन को? तो जो बॉन्ड वीकेस्ट होगा वो इजली टूट जाएगा। देखो, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड वीकर होता है एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। अच्छा, आप एसाइल क्लोराइड में ये ब्रोमीन इजली निकलेगा। अगर पहले चलो मैं इनको एसाइल को एल्काइल हेलोजिनो एल्केन के साथ अगर कंपेयर करूं, तो हेलोजिनो एल्केन में जो क्लोरीन बॉन्ड होगा वो मुश्किल से टूटेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके साथ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, और इन एसाइल्स में हमारे पास एक ऑक्सीजन भी लगा हुआ है पार्शियल नेगेटिव, जो कि शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बन ब्रोमीन या कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को अपनी तरफ भी खींच रहा होगा, और या पार्शियल पॉजिटिव कार्बन जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इनमें। तो इजी अटैक न्यूक्लियोफाइल का पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे होगा, किसमें सबसे इजीली होगा? आपका कार्बन जिसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है वो ज्यादा स्ट्रेच आउट हुई है ब्रोमीन से। देखो, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ना एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तोड़ना आसान है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ लंबी होती है ना, वीकर बॉन्ड होता है कार्बन ब्रोमीन एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन। सबसे इजली जो है वो एसाइल ब्रोमाइड्स हाइड्रोलाइज होंगी, फिर एसाइल क्लोराइड आ जाएगा, और फिर हमारा एंड में एल्काइल क्लोराइड। इसका रीजन क्या लिखोगे? इन एल्काइल क्लोराइड्स कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप। जो शेड पेड की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो मिडिल में रहेगी, लेकिन अगर आप एसाइल ब्रोमाइड की बात कर रहे हो, इन एसाइल ब्रोमाइड्स एंड इन एसाइल क्लोराइड ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज ठीक है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज वीकर देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, और इसका रीजन क्या है? क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो ऑर्बिटल ओवरलैप ब्रोमीन में कम होता है ना। सिंपल ये लिख दो, एस ब्रोमीन एस लार्जर एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? ठीक
बेटा जरा जो कंफ्यूजन है ना वो माइक खोल के पूछो, 1 मिनट जल्दी हो जाएगा काम। CCL। अच्छा देखो, वो आपने AS में बात पढ़ी होगी ना, लॉन्ग आधा बॉन्ड वीक आधा बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ ज्यादा लॉन्गर होती है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैप इसमें कम है, क्योंकि ब्रोमीन जो है उसका साइज बड़ा है ना। अब जब साइज बड़ा होता है तो उसके जो न्यूक्लियस है और जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे वो ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है वो दूर होगा उसके न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से बॉन्ड वीकर होगा। क्योंकि जो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई हैं वो अगर अपने शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूर होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। जितना चार्जेस दूर होंगे, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेसिकली, हमारे पास इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम एंड द शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता है तो बॉन्ड जो है वो वीक होता है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डिस्टेंस कम है, मतलब कार्बन क्या न्यूक्लियस और क्लोरीन का न्यूक्लियस शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन से करीब है, लेकिन कार्बन और ब्रोमीन का जो न्यूक्लियस है वो अपने शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूर है। क्योंकि तो ब्रोमीन का साइज बड़ा है इससे ऑर्बिटल ओवरलैप लास्ट शेल के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप होगा ना, और जब आपका डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, कूलम्स लॉ, जब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है। ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन तो हमारे पास अभी भी इसमें रह गए होंगे कुछ। ठीक चलो, थोड़ी स्पीड अप तो हमने किया है इसको, लेकिन हमने अभी भी ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन ऊपर के देखे हैं। नेक्स्ट पेपर होगा वो थोड़ा और फास्ट चलेगा, लेकिन आप कुछ चीजें देखो, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट दोबारा से क्वेश्चन आ गया था, तो आपने देखो एलई का फायदा किस तरह से उठाना है। आपने जो है वो ये रियलाइज करना है कि आपको क्या चीज बाद में इस पेपर के बाद रिवाइज करनी है। देखो क्या चीजें याद नहीं है वो याद करनी है, तब जाके फिर आप नेक्स्ट एलई पे जाओगे तो आपको चीजें आसान लगना शुरू होंगी। वरना जो अगर आप याद नहीं करोगे वो चीजें दोबारा से तो फिर कोई एसएच यूजफुल नहीं होंगे सेशन ये वाले। मेक श्योर के जब आप इस पेपर को कर रहे हो आपने चीजें रियलाइज करी कि ये मुझे सही से याद नहीं है, तो उसको रिवाइज जरूर कर लें। क्वेश्चन 6 में कह रहा है, पेरिंडोप्रिल इज अ ड्रग यूज्ड टू ट्रीट हार्ट डिजीजेस, द स्टेट द नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ पेरिंडोप्रिल। अब इसमें कायरल कार्बन वो जो AS में आपने पढ़ा है, 4 बॉन्ड पेयर्स हो उसके, 4 बॉन्डेड पेयर्स, 4 सिंगल बॉन्ड हो और चारों बॉन्ड पे डिफरेंट चीजें हो, तो इसमें कितने कायरल कार्बन आ रहे हैं? तो ये रहा 1 2 3 4 5, 5 तो मुझे दिख रहे हैं। सजेस्ट वन बेनिफिट एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ड्रग सच एज पेरिंड्रोपिल एज अ प्योर सिंगल प्योर ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा, ये रेसमिक मिक्सर वाला क्वेश्चन है। रेसमिक मिक्सर जो है वो रिसेंटली ऐड हुआ था सिलेबस में 2022 ऑनवर्ड्स ना, तो ये आपका सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। रेसमिक मिक्सर बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास जो ऐसे ड्रग्स जिनके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, तो डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन हैव डिफरेंट फंक्शंस। तो जैसे हमने इसकी एग्जांपल में उसकी देखी थी, क्लास में जब हम ये लेक्चर्स पढ़ रहे थे, तो हमने जो हमारी टीबी की मेडिसिन होती है उसके जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, रेसमिक मिक्सर के बारे में। तो वो एक इनमें से ऑप्टिकल आइसोमर तो वो आपको टीबी को क्योर करने के लिए यूज होता है, लेकिन एक ऑप्टिकल आइसोमर इसमें ऐसा भी होता है जिसका एक साइड इफेक्ट होता है कि वो ब्लाइंडनेस क्रिएट कराता है। तो हमें करना क्या होता है कि वी हैव टू सेपरेट दैट ऑप्टिकल आइसोमर। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर्स।
ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना, ये हाईली इग्नोर्ड क्वेश्चन है, तो मेक श्योर कि इसको आपने पढ़ना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हैंडआउट में, एनालिटिकल केमिस्ट्री के हैंडआउट में आपको मिल जाएगा। मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो पार्ट ना। ये वाला ऑप्टिकल रेजोल्यूशन, तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज इनेंटियोमर्स। और रेसमिक मिक्सचर हमारे पास बेसिकली मोस्टली 50-50% रेसमिक मिक्सचर होता है, मतलब दो तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो फिर 50-50 नहीं होगा। उनको हम सेपरेट करवाते हैं बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, मतलब अगर कोई ड्रग हम बना रहे हैं तो हमें सारे ऑप्टिकल आइसोमर सेपरेट करवाना है, क्योंकि सारे ऑप्टिकल आइसोमर डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं बॉडी, तो ये जरूरी होता है हमारे पास। तो इसको बस थोड़ा सा आपने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस याद रखने हैं, कि एडवांटेजेस इसके क्या होते हैं कि भाई जब आप बना रहे हो डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो एक आइसोमर इसमें से ऐसा है जो कि आपको वो डिजीज को ट्रीट कर रहा होगा, बट अगेन डिसएडवांटेज क्या है इसका, यू हैव टू सेपरेट दीस ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसकी वजह से यील्ड कम हो जाएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अगर 50% ही आइसोमर निकाल रहे हो तो आपको वो काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें ना यहाँ पे लिखी हुई है, इसको एक बार पढ़ना जरूर। और कुछ ऑप्टिक आपने इतनी डेप्थ में नहीं जाना है कि किस ऑप्टिकल आइसोमर का क्या साइड इफेक्ट होगा, बस आपने ये याद रखना है कि भाई कुछ ऑप्टिकल आइसोमर्स के नेगेटिव साइड इफेक्ट तो होते ही नेगेटिव है ना, तो हमें साइड इफेक्ट नहीं चाहिए इन चीजों का, इसलिए हम लोग जो है ना वो इनको सेपरेट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, इनेंटियोमर्स या जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है उनको सेपरेट करेंगे, तो एक हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर अलग हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे प्योर इनेंटियोमर्स। व्हाई इट इज बेनिफिशियल, इट इज बेनिफिशियल बिकॉज इट रिड्यूसेस द पेशेंट्स डोसेज बाय हाफ एज मच एज प्योर इनेंटियोमर। सेकेंडली जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है वो ये क्या है, सेपरेट करने का, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स फ्रॉम साइड इफेक्ट्स, क्योंकि कुछ ऑप्टिकल आइसोमर का डिफरेंट साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे इसकी एक बड़ी फेमस एग्जांपल है रेसमिक मिक्सर की, जो टीबी के लिए आप ड्रग बनाते हो, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो उसमें वन ऑफ द आइसोमर इज यूज टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस एंड दी अदर आइसोमर कैन क्रिएट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो टीबी तो सही हो गई, बंदा अंधा हो गया, इसलिए हमने इनको सेपरेट करना जरूरी होता है। जब हम सेपरेट करते हैं तो फायदा क्या है सेपरेट करने का, कि भाई जो साइड इफेक्ट वाला आइसोमर है वो हमने अलग कर लिया और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसको हम दो तरीकों से याद रखते हैं। अब आपको ये बात इतनी डिटेल में समझ नहीं आएगी अगर आपके पास बायो नहीं है, तो बस आपने याद रखना है बेनिफिट क्या होता है, बायोलॉजिकल एफिशिएंसी, सेकेंडली लेसर साइड इफेक्ट्स। हर ड्रग का साइड इफेक्ट होता है देखो, बट हम साइड इफेक्ट रिड्यूस कर सकते हैं। और सेकेंडली डिसएडवांटेज क्या है, भाई जब हम सेपरेट कर रहे हैं तो हमने एक एक्स्ट्रा प्रोसेस किया है इसमें, ठीक है, सेपरेशन का प्रोसेस किया है, इसकी वजह से अब जाहिर है जो प्रोडक्ट बना था उसमें से हमने आधा या 25% प्रोडक्ट निकाला है, तो यील्ड कम मिलेगी, ठीक है, और ऊपर से महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, आप इनमें से तो याद रख लो लोअर यील्ड, ठीक है, नीड ऑफ सेपरेशन, ये डिसएडवांटेज है, लेकिन ये करना जरूरी है। सिंगल प्योर ऑप्टिकल आइसोमर के नाम से भी कह सकते हैं इसको, ऑप्टिकल आइसोमर की जगह वो इनेंटियोमर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूली एडिड है, तो आप इस पे से एक दो मार्क्स का सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये थ्योरेटिकल ही रहेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन पेरिन डॉप्रिल। फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास, इसमें आपने सारे आइडेंटिफाई करने हैं, कौन कौन से हैं। एक तो एस्टर है, अमाइड अमाइड है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अमाइड और एक अमाइन भी है। देखो ये वाला एनएच वाला जो है वो अमाइन है,
इसमें कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो अमाइड है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एस्टर है। चलें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें फिर इसको यहाँ से। अच्छा इसके बाद वाला जो पेपर होगा ना उसमें मैं आपको पेपर मैं आपको बता दूंगा। अब हमारी क्लास जो होगी आई थिंक वो मंडे को होगी ना, एक मंडे को आ जाएगी। अब वेंसडे को अगर ईद है, अगर ईद नहीं है तो हम वेंसडे को भी क्लास कर लेंगे। अगर ईद होगी तो फिर हमें वो क्लास छोड़नी पड़ेगी उस दिन की। तो मैं आप इसके बाद जो ईयर होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ट्राई करो पहले से करके रखो और वो क्वेश्चंस पूछो जो आपको नहीं आ रहे। और अगर ये क्वेश्चन इसमें खुद से कंप्लीट कर सकते हो तो वो कंप्लीट करो, और जो नहीं आ रहा है वो पूछो आगे। वैसे इतना मुश्किल है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी हम पहले नेक्स्ट क्लास में ये वाला पेपर खोलेंगे और आपकी अगर प्रॉब्लम होंगी तो डिस्कस करेंगे। वैसे कर लेना पेपर, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो, मसला सारा ये होता है। और मैं नेक्स्ट ईयर जो मैंने शेयर किया हुआ है उस स्केड्यूल में, तो उसको भी ट्राई करो, टाइम है अभी आपके पास। ओके जी, जा सकते हो अभी। हाफिज।